नमस्कार, वेलकम टू मोटिवेशन फॉर लाइफ। वन थॉट हैज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म यू। आज का सुविचार है विल पावर। यस, विल पावर यानी आत्मबल, मन की शक्ति। सो कॉमन कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बहुत ही इतना कॉमन है वेयर देयर इज अ विल एंड देर इज अ वे। सो जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं, उस वक्त अगर हमारी स्ट्रांग विल पावर है, वी आर वेरी स्ट्रांग विल पावर, तो उस स्ट्रांग विल पावर के कारण आपको रास्ता मिल जाएगा। ये प्रूवन फैक्ट है। अगर भगवान ने, दुनिया ने कॉम्प्लेक्स सिटी आपके सामने पैदा की है, तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं तो भी दिया है। लाइफ इज अ रेस ऑफ हर्डल्स एंड इन हर्डल्स से ही हमको आगे आगे बढ़ते जाना है, विद द विल पावर, विद द डिटर्मिनेशन टू विन एंड फाइंड द राइट वे बाय द राइचुअस थॉट प्रोसेस। सो विल पावर इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट द शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन इन द परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। यानी हमारा कुछ लॉन्ग टर्म गोल है। सपोज आपका गोल 2022 का था कि मैं 15-20 किलो वजन कम करूंगा, वेट रिडक्शन इज अ गोल इस साल का अगर आपका गोल था, और फिर इसमें बाधाएं आती हैं। उस बाधाएं लाइक कोई आपके सामने पिज्जा खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, जो आपकी मनपसंद चीजें हैं, वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को आप कैसे रेजिस्ट करते हो? कोई आपके सामने बैठ के पिज्जा खा रहा है, क्या आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो? क्या आपकी मनपसंद चीज बनी है, उसको आप रेजिस्ट कर सकते हो? अगर आप रेजिस्ट कर पाए, मीन्स आपकी विल पावर बढ़ गई। प्राचीन इंडियन सभ्यता में आपने देखा ऋषि मुनि जो एक पैर पे खड़े रहते थे, बरसों तपश्चर्या करते थे, बैठे रहते थे साधना में, तो क्या होता था? विल पावर बढ़ती थी। साधना में विल पावर बढ़ती थी। जब विल पावर ही इतनी स्ट्रांग हो जाती थी, तो भगवान तो प्रकट होके बोलते थे कि मांग, तेरी क्या इच्छा है, राइट? सो ये एक एग्जाम्पल है कि जब भी इंसान ने उसकी विल पावर स्ट्रांग की है, भगवान ने उसको मन चाहा वरदान दे दिया। तो आप इससे सबक लीजिए आपके लाइफ का कि हमारे चीजों का जो सोल्यूशन है वो अपने विल पावर में है। अब इस पर साइंटिफिक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी हुई। दे स्टडीड द पार्ट ऑफ ब्रेन। उन्होंने जब देखा कि जिस लोगों की ब्रेन डेवलप्ड है, मगर उनकी विल पावर बहुत कम है, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी अंडर डेवलप होता है। यानी जिसकी विल पावर ज्यादा, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप्ड होता है। सो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आपके बिहेवियरल एटीट्यूड को कंट्रोल करता है, अगर वो डेवलप्ड है, एक्टिवेटेड है, ग्रोन है, तो आपकी विल पावर बढ़ सकती है, बढ़ी रहती है। सो इसके लिए हमारे पास 5 चीजें मैं बताऊंगा जो आप कर सकते हैं और आपकी विल पावर को मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप एक सशक्त, कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन भी बन सकते हैं। नंबर वन, मेडिटेशन। देर इज नथिंग बेटर इन द वर्ल्ड दैन मेडिटेशन। आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं अच्छा। सबसे बेहतर इज मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन डायरेक्टली वर्क्स एट योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड इट इन्हेंसेस द एक्टिविटी ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो आपका आत्मबल बहुत ही स्ट्रांग होता है अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। ऐसा नहीं महीने में एक बार कर ली, मेरा विल पावर बढ़ गया। डेली आप 2 बार कर रहे हैं क्या? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी आपको, अगर आप एक टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपका स्ट्रांग विल पावर होना बहुत 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 ही जरूरी है। आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, वो इंसान के पास कितना टेनेशियस था, कितनी एक ग्रिट थी, विल पावर देखो कितना स्ट्रांग, दुबला पतला आदमी, मगर पूरी दुनिया में एक चेंज लाके अपनी जिंदगी को सफल किया। तो विल पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हर एक के लिए। अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, लीडरशिप लैडर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए विल पावर बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 इज मेडिटेशन।
Nothing is possible without meditation. Number two, manage capacity to manage the stress. Stress चीजों को मैनेज करने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ाते जानी है. यानी एक्सप्रेस नहीं करना है. जब आप स्ट्रेस को सह रहे हैं, आप जितनी बार एक्सप्रेस करेंगे आपका जो विल पावर है उतना डेवलप नहीं होगा. देन स्टिक टू द प्लान. जो आपने प्लान ऑफ एक्शन, देयर विल बी डिसरप्शन, डिस्ट्रैक्शंस, सब होने वाला. अगर आपका प्लान है कि 5 बजे सुबह उठना है, मीन्स उठना है, अगर आप ये करेंगे तो आपका विल पावर पक्का 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 बढ़ेगा. देन सेल्फ अफर्मेशन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. जब भी आपने गोल सेटिंग किया, आई से आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. जितनी बार आप आपका इनर डायलॉग में आई कैन डू इट ऐड करेंगे, आपको सफलता मिलने वाली है, आपका विल पावर बढ़ने वाला है. द लास्ट, कंट्रोल्ड रेगुलर एक्सरसाइज विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. कंट्रोल्ड रेगुलर एक्सरसाइज विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. धीरे 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 अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो आपका माइंड कंडीशनिंग होगा, आपका विल पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो ये 5 चीजें हैं, मेडिटेशन, मैनेज कैपेसिटी टू मैनेज स्ट्रेस, स्टिक टू प्लान, सेल्फ अफर्मेशन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड द लास्ट, कंट्रोल्ड रेगुलर एक्सरसाइजेस विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. ये सारी चीजें मिला के आप एक सशक्त, स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड पर्सन बनेंगे, एंड दैट इज द लैडर टू द लीडरशिप. सो इफ यू आर लाइकिंग, प्लीज सब्सक्राइब डॉक्टर विजय देशमुख मोटिवेशन फॉर लाइफ. One thought has a power to transform you. Live better.